देखो बच्चों, पेपा और उसके परिवार को घुमाने के लिए रेलगाड़ी आ रही है, लेकिन पहले गाड़ियाँ चाहिए। ये देखो, इसमें फूल लगा है और ये झूलता भी है। इसको चलाते ही ये आगे पीछे होता है। ये देखो स्टार वाली, इसके ऊपर डायनासोर बना हुआ है, इसको हिलाते ही ये झूमता है। और ये देखो दिल के आकार में घोड़े जैसे दिखने वाली, चलने के बाद ये गोल गोल घूमती है। लेकिन सबसे पहले जरूरत है रेलगाड़ी में सवारियों की, मुझे लगता है वो इस घर में होंगी। चलो देखें इस दरवाजे के पीछे कौन है जिस पर नंबर एक बना है। चलो घंटी बजाओ। चलो अब नंबर एक चाबी से दरवाजे का ताला खोलते हैं। इसे यहाँ ऐसे घुसाओ, घुमाओ और दरवाजा खुल गया। अरे देखो, यहाँ पर तो पेपा है, है ना कितनी प्यारी। पेपा का चिड़ियाघर में बहुत खास दिन है, इसलिए वो कुछ अलग पहनेगी। अरे वाह, ये कितनी प्यारी लग रही है लाल रंग की ड्रेस में। चलो देखते हैं पेपा कौन सी गाड़ी में जाएगी, ये इंजन कैसा रहेगा। ना ये नहीं, पेपा अभी बहुत छोटी है, ये घोड़े जैसी गाड़ी कैसी रहेगी। इस पर दिल बने हैं जो कि पेपा की ड्रेस से मिल रहे हैं और इसे ये बहुत पसंद है। हाँ ये इसी में जाएगी। अब इसे यहाँ बैठाओ और गाड़ी चलने को तैयार है। और ये यहाँ ठीक इंजन के पीछे चलेगी। लेकिन हमें अभी और सवारियाँ चाहिए। चलो देखते हैं दरवाजा नंबर दो के पीछे कौन है। चलो घंटी बजाओ। अब हम दरवाजे को खोलने के लिए नंबर दो चाबी लगाएंगे। चलो देखें इसके पीछे कौन है। देखो बच्चों, ये मम्मी पिग है और ये भी चिड़ियाघर जाना चाहेंगी और ये भी पेपा के जैसे कुछ खास पहनना चाहेंगी। अरे वाह, पीली ड्रेस जिस पर सफेद फूल बने हैं। मम्मी पिग, बताओ आपको डायनासोर वाली गाड़ी चाहिए। नहीं शुक्रिया। ठीक है, तो क्या ये प्यारी फूल वाली जो झूलती भी है। मम्मी पिग को ये पसंद आएगी क्योंकि ये उनकी ड्रेस से मिलती है। अब यहाँ बैठेंगी मम्मी पिग और वो झूल भी सकती है। और मम्मी पिग की गाड़ी लगेगी ठीक पेपा की गाड़ी के पीछे। अब हमारी रेलगाड़ी लंबी हो रही है। अब बताओ इस नंबर तीन जामुनी दरवाजे के पीछे कौन है। घंटी बजाओ और देखो। चलो आओ अब इस नंबर तीन चाबी से इस दरवाजे को खोलते हैं। ये यहाँ पर, इसे घुमाओ और देखो अंदर कौन है। दोस्तों ये पेपा का भाई जॉर्ज है। अब बताओ कि ये क्या पहन सकता है। जॉर्ज, चिड़ियाघर में तुम्हारा मनपसंद जानवर कौन सा है। टीरेक्स। मुझे लगता है टीरेक्स चिड़ियाघर में नहीं मिलेगा। चलो तुम कुछ और सोचो। ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और मुझे लगता है इस चिड़ियाघर में कोई डायनासोर नजर नहीं आएगा, ये कोई जुरासिक पार्क नहीं है। क्या तुम चिड़ियाघर में कोई और जानवर के बारे में सोच सकते हो। बंदर। बहुत बढ़िया जॉर्ज, चिड़ियाघर में बंदर हो सकता है। जॉर्ज को डायनासोर बहुत पसंद है, इसलिए उसे डायनासोर वाली गाड़ी मिलनी चाहिए। जाओ बैठो जॉर्ज। वाह। अरे वाह जॉर्ज, तुम डायनासोर जैसे चिल्लाए। इसे यहाँ जोड़ेंगे और अब हमारी चारों गाड़ियाँ जुड़ गई हैं। पर अभी एक इंजन चालक चाहिए, शायद वो हमें घर में मिल जाए। चलो देखते हैं इस हरे दरवाजा नंबर चार के पीछे कौन है। अब इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें जरूरत है चाबी नंबर चार की। मुझे ऐसा लगता है अंदर एक कुशल इंजन चालक है। अरे देखो, ये तो डैडी पिग है। मुझे लगता है डैडी पिग चिड़ियाघर में कैमरा लेकर जाएंगे। बहुत बढ़िया, अब वो चिड़ियाघर में तस्वीरें खींचेंगे। अब रेलगाड़ी को पीछे लो। पीप, पीप, पीप। और अब डैडी पिग चलाएंगे इंजन को। चलो अब इन्हें इंजन में बैठाओ। और अब हम इस जादू की छड़ी से रेलगाड़ी को चिड़ियाघर भेजेंगे। अरे वो देखो उन्हें जाते हुए, देखो वो पहुंच गए। चिड़ियाघर में आपका स्वागत है, यहाँ पर पहला जानवर देखने के लिए आप मेरे साथ नाव तक चलें। बहुत बढ़िया, आइए इस तरफ। तो ठीक है बच्चों, नाव में बैठो और यहाँ का पहला जानवर ढूंढो। बंदर। तुमने क्या कहा, बंदर? चलो देखते हैं कौन हो सकता है। मैं नाव में बैठने का इंतजार नहीं कर सकती। देखो अब पेपा और जॉर्ज नाव में बैठ चुके हैं और अब देखते हैं तालाब की दूसरी तरफ क्या है। ये तो कहीं से भी बंदर नहीं लग रहा। पेपा ने सही कहा, ये पांडा है। पांडा काले और सफेद रंग का होता है, ये पूरे एशिया में पाया जाता है। इन्हें बैम्बू बहुत पसंद है और बैम्बू दुनिया की सबसे बड़ी घास है। ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन असल में ये रकून जैसे हैं। चलो अब पेपा और जॉर्ज को तालाब के दूसरे हिस्से की तरफ लेकर चलते हैं। अरे वहाँ देखो दूसरा जानवर।
ये है दरियाई घोड़ा, यानी पानी में रहने वाला। हम इसे जल हस्ती भी कह सकते हैं। ये बड़ा जानवर अफ्रीका में पाया जाता है, इसे पानी बहुत पसंद है। अब पेपा और जॉर्ज दो बहुत शानदार जानवर देख चुके हैं। क्या आपको नाव की सैर पसंद आई? हाँ, लेकिन बंदर कहाँ है? चिंता मत करो, बंदर चिड़िया घर में ही है, लेकिन अभी हम कुछ और जानवर देखेंगे। अरे इसे ध्यान से देखो, ये है चिड़िया घर की शान, हाथी। हाँ दोस्तों, हाथी जमीन पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, और हाथी का वजन लगभग 6000 किलो होता है। ये अभी छोटा है, लेकिन कुछ सालों के बाद ये एक बड़ा हाथी बन जाएगा। डैडी, ये आपसे भी बड़ा है। हाँ पापा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इसकी एक तस्वीर ले लेता हूँ। अरे तुमने पूरा गीला कर दिया। हाँ मुझे माफ कर दो, ये हाथी थोड़ा शर्मा रहा है। मैं नीचे आ रही हूँ, देखो वो मिस रैबिट है। जाओ बच्चों, अब थोड़ी मस्ती कर लो। चलो बच्चों बैठ जाओ। ओए हेलीकॉप्टर की सैर। चलो चलो उड़ो। यहाँ तुम दक्षिण अमेरिका के तोते देख सकते हो। तोता एक ऐसा पक्षी है जो शब्दों को बोलना सीख जाता है। पापा और जॉर्ज तुम कैसे हो? और इसने तुम्हारे नाम भी सीख लिए। बाय तोते। अब हम यहाँ जाकर उतर जाएंगे। अरे ये गया हेलीकॉप्टर। ये मेरा तीसरा हेलीकॉप्टर खोया है। मिस रैबिट देखो, एक शेर। क्या ये खतरनाक है? हाँ आम तौर पर। ये चिड़ियाघर के रक्षक के भाई जेरल्ड हैं, जो बहुत मिलनसार हैं। ओह हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वाह कितना शानदार जानवर, क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल बच्चों, शेर बिल्लियों के जैसे होते हैं जो अफ्रीका में रहते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, यानी मांस खाते हैं। नर की गर्दन में बाल होते हैं और मादा में बिल्कुल नहीं। लेकिन बंदर कहाँ है? सुनो बच्चों, यहाँ मेरे पीछे आओ, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। हम आ गए। हाँ शर्माओ मत, आ जाओ जॉर्ज। ठीक है ठीक है, मेरी तरफ से बंदर को हेलो बोलना। अरे नहीं मिस रैबिट, बंदर यहाँ नहीं है। शेर साहब आपने कुछ सुना? बंदर गायब है। अरे यार ये तो बहुत गंभीर समस्या है, चलो कंप्यूटर से देखते हैं। ऐसा लगता है बंदर कहीं चिड़ियाघर में छुपा है। बच्चों क्या तुम इसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे? जी हाँ शेर साहब, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये है दरियाई घोड़ा, और ये है हाथी, और ये तोता। लेकिन बंदर कहाँ है? जरा रुको, वो झाड़ियों के पीछे कौन है? ये रहा बंदर, हमने ढूंढ लिया। बंदर मनुष्य सदृश जानवर है, और ये बहुत शरारती है, और ये अपनी पूंछ का हाथ की तरह इस्तेमाल करते हैं। चलो अब इस शरारती बंदर को वापस रख दो। ओए बंदर। वाह आखिर जॉर्ज ने अपना मनपसंद जानवर देख लिया, और आप सबने भी। बाय दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना।